हेलो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पूरा हेयर स्टाइल में बन का वेरिएशन है। कुछ भी हेयर स्टाइल स्टार्ट करने के पहले हल्का सा आइनिंग करके रखा हुआ है। आप क्रिम्पिंग भी कर सकते हो, जो प्रैक्टिकली हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हेयर स्टाइल है ये। सबसे पहले आगे से मिडल पार्ट करना है। मिडल पार्टिंग के बाद बन में वेरिएशन है। बन में वेरिएशन दिखा रही हूँ और फिर एक ओपन में वेरिएशन दिखाऊंगी। पहले बन में वेरिएशन, पार्टिंग लेना है। दूसरी साइड भी लेकिन हम जितना सिर्फ आगे फ्रंट में वेरिएशन करना है, हम उतना ही पार्टिंग आगे लेंगे, बाकी का पूरा पीछे जाने देंगे। रोज रोज बनाते हैं ना, रोज फ्लावर बनाते हैं, वैसे ही पीछे बन में वेरिएशन करेंगे हम। दोनों साइड से फ्रंट वेरिएशन का पार्ट बाकी रखेंगे। और पूरा हेयर स्टाइल पीछे ले लेंगे, पूरे बाल। बालों को पीछे लेने के बाद जहां से हम बन बनाते हैं ईयर से पोर्शन लेके अलग करेंगे, और नीचे के पार्ट को जैसे हम बन के लिए चोटी बनाते हैं वैसे चोटी बना देंगे, और ऊपर के बालों का पफ क्रिएट करेंगे। जैसे मैं मिडल में रोज बना रही हूँ रोज फ्लावर, वैसे आप साइड में भी पार्टिंग करके कर सकते हो। अगर मिडल नहीं चाहिए, किसी को साइड चाहिए, तो आप यहाँ पे चोटी बना दो। हल्का सा आज हम साइड में ही लेंगे। साइड में लेके जैसे मैंने बोला था शाइन स्प्रे, जब भी आप रबर बैंड करो पूरा शाइन स्प्रे करो। थोड़ा साइड में ले रही हूँ, दो रबर बैंड। और टाइट रबर बैंड लगाना, हल्का सा मिडल ले लिया है, दिख रहा है आपको, साइड में डाला है ताकि साइड बन रोज बने, आगे फ्रंट से दिखे। फिर इसका पफ क्रिएट करेंगे, और पफ भी इसके ऊपर ही लेंगे यहाँ पे, तो साइड पफ होगा पूरा हमारा। हल्का हल्का बैक कॉम्बिंग करेंगे, स्प्रे करना है। स्टेप स्प्रे, बहुत ज्यादा बाउंसी नहीं चाहिए, तो मैं हल्का हल्का ही बैक कॉम्बिंग करूंगी।
मसालों को पीछे ले लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग करनी है। और जहां पे रबर बैंड लगाई है ना उसी डायरेक्शन में वहीं पे हम ये टैग करेंगे, मिडल में नहीं करेंगे। एकदम हल्के हल्के हाथ से यहाँ पे होल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यू पिन। और लाइंस क्रिएट करेंगे एक 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 एक। दिख रहा है ना आपको? हल्की हल्की लाइंस क्रिएट की है। हार्ट स्प्रे करेंगे और उसको प्रेस कर देना है हाथ से। पता नहीं आए, नहीं एक तो नहीं आने वाली थी, दूसरे लोग क्यों नहीं आए क्या मालूम। आएंगे, कभी कभी लेट हो जाता है आने के लिए। फिर यूपिन निकाल के Hello? हाँ बोलो। हेलो हाँ यूपिन ओके। रोज बन बना रहे हैं, यहाँ पे होल्ड कर दिया। ठीक है, फिर आगे का फास्ट पोर्शन लेंगे। आगे अभी रोज बन है, साइड पार्टिंग है, तो हमारा कंपलसरी मिडल पार्ट नहीं होना चाहिए, साइड पार्टिंग ही लेंगे हम। ये साइड भी सिंपली ऐसे ही टक करेंगे इधर, ज्यादा साइड में वेरिएशन नहीं दे रहे। ये भी प्लेन पार्ट है तो यहाँ पे भी हल्का हल्का क्या हाँ लाइन क्रिएट की है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ लाइन एक हाथ से ही थोड़ा थोड़ा उठाया मैंने, ऐसे स्प्रे किया, वापस से उसको मैंने प्रेस कर दिया। देखो तो भी मस्त एक पतली पतली लाइन सब क्रिएट हो जाएगी अच्छे से। अभी ये साइड में साइड पार्टिंग लिया है। सबसे पहले इतना बॉक्स पार्टिंग लेंगे। बॉक्स पार्टिंग के बाद पहले पार्ट को सिर्फ ऐसे ही टक करेंगे। हल्का हल्का बाउंस चाहिए तो बैक कॉमिंग करो, हार्ट स्प्रे वापस से फिनिशिंग दे दो। आपका नेटवर्क का इशू रहेगा शायद। फिर यहाँ पे
डोंट वरी, वीडियो है साथ में तो आप वो देख सकते हो बाद में। यहाँ पे यूपिन से ही होल्ड कर रही हूँ। अगेन यहाँ पे होल्डिंग के लिए अभी मैं यूपिंस अटैच कर रही हूँ। हार्ट स्प्रे से फिक्स कर दो। निकाल के फिर बॉबी पिन डाल दो। स्ट्रेट डाली है मैंने। फिर दूसरा पार्ट लेंगे। इसको एक एक पार्ट को अभी शाइन स्प्रे करेंगे। ऑसिस का शाइन स्प्रे स्प्रेड करना है। इसको अंदर की साइड में टर्न कर देंगे और एक टर्न करके कर रही हूँ ताकि अपनी पिंस ना दिखे। देखो वैसे ही दूसरा लेवल हाथ में ऐसे पकड़ना है और सिर्फ टर्न करना है। जब स्प्रेड नहीं होता है आपका अच्छे से तो शाइन स्प्रे करो, फोम करो, अच्छे से स्प्रेड होगा वो आपका।
देखो अभी रोज बन बनाने का स्टार्ट करेंगे। ऊपर के जो बाल आए हैं सबको पहले अलग कर देंगे। नीचे के रबर बैंड वाले बाल अलग करेंगे और ये वाले बालों को अलग कर देंगे। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ये साइड को होल्ड करने रख देंगे, ये ऊपर की साइड के लिए काम आएगा रोज पेटल बनाने के लिए। और एक यहाँ पे और यहाँ से सिंगल पट्टा उठाना है आपको। पहले एकदम पतला होना चाहिए, मोटा नहीं। हल्का हल्का नीचे बैक फॉर्मिंग, नीचे की साइड स्प्रे कर दो हार्ड स्प्रे। स्प्रे करने के बाद तुरंत उसे ड्राई करो, फिर ये खोल दो। हमारी फिंगर रहेगी ना, उस फिंगर को डालो ऐसे और टर्न कर लो। कुछ नहीं, सिर्फ एक ये पट्टा बनाया है मैंने। यहाँ पे नीचे के बालों में से लेके एक पतला पट्टा किया, एक फिंगर से इसको ऐसे टर्न करना है। टर्न हो जाएगा ना, फिर उसको होल्ड करो, यू पिन लगा के होल्ड करने रखो। पूरा राउंड शेप का, जैसे हम रोज फ्लावर कैसे होता है वैसे फ्लावर बना रही हूँ। ये देखो यू पिन से एंड के पार्ट को होल्ड कर दो और फिर वापस से इसके ऊपर होल्डिंग के लिए हार्ड स्प्रे लगा लो। ये हो गया, फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे। एक एक पार्ट लेना है होल्ड के लिए लगाना है। अभी ये रोज पेटल बना रहे तो बहुत जरूरी है आपका शाइन स्प्रे, क्योंकि स्प्रेडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एंड के पार्ट को ऐसे अंदर डाल देना है। इसे टर्न कर रही हूँ, हाथ में लेके टर्न कर रही हूँ और फिर अंदर की साइड। पिन से अटैच कर रही हूं उसको। एक ये साइड से लिया तो अभी हम एक यहां से लेंगे।
देखो दो रोज पेटल बनी, वैसे ही हम सारे इसको बनाएंगे रोज पेटल में, टर्न करेंगे। अभी ऊपर का लेंगे और ऊपर से टर्न करेंगे। स्प्रेड करना है अच्छे से आपको और उसको अटैच कर देना है बॉबी पिन से। जो डायरेक्शन में सेट करना है ना वहां पे होल्ड के लिए यू पिंस लगा दो। दिख रही है ऊपर भी दो रोज पेटल बनाई। अभी यहाँ का ब्लैंक है तो हम यहाँ पे पहले बनाएंगे। कहाँ से लेना है, पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ब्लैंक है तो यही इसको हम बड़ी वाली यूपिन लेके आपको उसको पोजीशन देनी है, आपको कैसे उसको खड़ा रखना है। देखो दिखा हाफ, समझ में आ रहा है कैसे कहां से क्या ले रही हूं मैं। सेम अभी वो साइड करेंगे, पहले ये वाले पार्ट जो है
सिर्फ उसको यहाँ वहां से स्प्रेडिंग, बहुत अच्छे से स्प्रेडिंग करो। देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, देख रहा है। वो सीरियल में करते हैं ना, वो थोड़ा सा दिखाना एक बार, क्या ये? ये वाला नहीं, ये अभी होने के बाद ना हाँ सीरियल में ये जो कंट वेरिएशन है ना, वो हाँ हाँ सब लोग आजकल करते हैं ना, नहीं आता मेरे को। कैसा वेरिएशन चाहिए आपको बताओ ना, मैं बताती हूँ ना आपको। आज मैं उसका फोटो निकालती हूँ, हाँ ठीक है, भेजो। बताओ मैं दिखाऊंगी कैसे करना है वो। जो भी हेयर स्टाइल आपको सीखनी है ना, यहाँ पे नहीं है तो आप मेरे को फोटो भेजो कि ये बताओ कैसे करना है, मैं बता दूंगी आपको कैसे करना है। इतना इजी नहीं है। नहीं आप करोगे ना तो नहीं, इतना इजी इतना हार्ड नहीं लगेगा। सिर्फ क्या करना है, पार्टिंग लेके यहाँ से डालना है, कोई यहाँ से डालना है, बस वही डायरेक्शन आप अच्छे से मिरर में देखते जाओ कि कैसे वो राउंड बन रहा है कि नहीं, गैपिंग नहीं दिखनी चाहिए कहीं पे भी। और ये बहुत चलता है ये रोज वाला, अभी हम रिसेप्शन के लिए किसी को करके देंगे ना तो बहुत चलता है ये। और अच्छा लगता है रोज फ्लावर, जैसे मैंने ये अलग अलग लिया, आप तीन चोटी बनाओ नीचे के पार्ट को और उसको ही सिर्फ राउंड में घुमा दो तो भी ऐसा ही लुक आएगा, ये सेम लुक आएगा। अभी सिर्फ पोजीशन उसकी थोड़ा मेरे को अंदर लेना है।
ताकि वो अच्छे से छोटा सा दिखे, ये बहुत बड़ा दिखता है उसको हम मिनिमम करेंगे। हमारा रोज रियल फ्लावर कैसा होता है जस्ट वैसा ही लुक देना है। और आप ये दिखाओगे ना तो क्लाइंट कभी भी ये पसंद करेगा, ऐसी हेयर स्टाइल है, प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकल में कर सकते वैसे ही। क्या एक एल्बम में बना के रखने का? यस हाँ, मेरे को एक एक फोटो भेजना। हाँ, मैंने ना वीडियो में भी सारे फोटो भेजे, आपको पर्सनली चाहिए तो मैं पर्सनली भी भेज दूंगी सारे हेयर स्टाइल के फोटो। एल्बम कर देती हाँ, उनको दिखा देंगे ना। यस, वी लव इट। और ये चलती भी इतनी हेयर स्टाइल है जो, और प्रैक्टिकल हेयर स्टाइल है। देखो आपको इजी है। नहीं, आप देखो कभी भी हेयर स्टाइल कब इजी बनेगी, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी आ जाएगी यही हेयर स्टाइल। फिर अभी यहाँ पे जो गैप रहता है ना यहाँ पे ऐसे, तो आप यहाँ पे कुछ ब्रॉच वगैरह, अच्छे से फ्लावर है आपके पास बड़ा सा तो वो डाल सकते हो। यहाँ पे देखो मैं ऐसे छोटा सा ये है, यहाँ पे गैपिंग के लिए ये डाल दूंगी, या इतना रोज है आपके पास तो आप रोज भी डाल सकते हो। प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो। ब्रॉच भी कुछ भी लगा दोगे ना तो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कम क्वांटिटी में रखो बट अच्छा रखो जो भी रख रहे हो। देखो पूरा, देखो आगे से भी कोई लुक देखेगा ना, पीछे से भी फ्लावरी लुक। ये आगे का तो मैंने देखा ही नहीं क्योंकि नेट हाँ, नहीं था मेरा, मैं देखूं वीडियो में देख। हाँ भाई अच्छा है फ्लावर के। ये एक स्टाइल हुआ, चलो स्टार्ट करते हैं। और फ्लावर, दूसरा भी फ्लावर ही दिखाती हूँ, हाई बन में फ्लावर। ये कैसे साइड रोज दिखाया था वैसे ही हाई बन में फ्लावर दिखाती हूँ अभी। हाई बन में फ्लावर करने के लिए पहले तो सेम हमारा मिडल पार्ट करके पीछे से हाई पोनी करेंगे। यहाँ से पार्टिंग ले लेंगे और सेम यहाँ से मिडल पार्टिंग। यहाँ पे पीछे की साइड में हाई पोनी बना देंगे।
रबर बैंड ऊपर एकदम ऊपर लिया है मैंने पोनी, शाइन स्प्रे किया थोड़ा और वापस से फिनिशिंग दे दो एक अच्छे से। और जब भी मैं बोलती हूँ हाई पोनी करनी है हमें, तो हमें नीचे से उसको लॉक करना है, लॉक करना है मतलब क्रॉस में पिन करनी है। एक पिन यहाँ से करेंगे और एक पिन को यहाँ से, तो नीचे का नीचे गिरेगा नहीं, आपकी पोनी टाइट हो जाएगी। ये करना कभी भी भूलना नहीं है, लॉकिंग करना, नहीं तो पोनी ये पोर्शन आपका लूज हो जाएगा। अभी आगे से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कुछ अलग वेरिएशन दे रही हूँ आगे की साइड, तो ध्यान से देखना। पहले बॉक्स पार्टिंग देंगे, सेम जितना यहाँ पे लिया है उतना ही यहाँ पे भी। हल्का हल्का पफ क्रिएट करेंगे तो बैक कमिंग और स्प्रे बैक कमिंग करना है और स्प्रे करना है हार्ड स्प्रे। अच्छे से आगे फिनिशिंग दे दो और यहाँ पे होल्ड करने रखो। जहाँ पे रबर बैंड है ना वहीं पे आपको यू पिन डालनी है। देखो जहाँ तक रबर बैंड ली है वहीं पे मैं यू पिन अटैच कर रही हूँ, बड़ी वाली यू पिन से सिर्फ होल्ड कर रही हूँ। होल्ड करके लाइंस साइड की लाइन कभी भी ऐसे नीचे की तरफ होना चाहिए। ओके, होने के बाद स्प्रे एक-एक को स्प्रे करना है और प्रेस करते जाना है। फिर बाजू में से पार्ट लेके स्टार्ट करेंगे, एक-एक पार्ट लेंगे। शाइन स्प्रे करके साइड में लेके जाके यहाँ पे सब जगह पे नीचे की साइड में ऊपर पकड़ा और नीचे की साइड में स्प्रेड किया। पिन कर देंगे, वापिस से दूसरा पार्ट लेंगे, अभी आज जो मैं दिखा रही हूँ सारी प्रैक्टिकल में आप कर सकते हो ना, एंगेजमेंट ब्राइड, रिसेप्शन ब्राइड या अदर कोई भी पार्टी फंक्शन है तो आप उसमें दे सकते हो। स्प्रेड किया,
शाइन स्प्रे करोगे ना तो अच्छे से आपका स्प्रेड होगा, स्प्रेडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पे पहला किया उसके नीचे दूसरा कर रही हूँ पिन, वापिस से थर्ड पोर्शन। दिख रहा है कितना सॉफ्टली स्प्रेड हो जाता है और स्पीड में भी स्प्रेड होगा आपका। नहीं, आप ट्राई करो ना, आपके यहाँ पे कोई है ना उनके यहाँ पे ट्राई करो, आप अच्छा लगेगा। करोगे ना तो हाथ बैठेगा, सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा। देखो एक साइड का लिया है पूरा नीचे तक, वैसे ही हम दूसरी साइड में करेंगे। इसको अभी किया ना स्प्रेड किया, अभी हार्ड स्प्रे नहीं किया है फिक्स करने, तो हार्ड स्प्रे कर देंगे। अब यहाँ पे लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे भी लाइंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन लाइन चाहिए तो पहले लाइन करो फिर हार्ड स्प्रे करना। लाइन करनी है नहीं करनी है वो टोटली आप पे है, आपको कैसा लुक देना है। प्लेन भी रखोगे तो भी उतना ही अच्छा दिखेगा, लाइन करके दिखाओगे तो भी इतना ही अच्छा दिखेगा, जस्ट वेरिएशन हो जाता है अलग। और अभी कैसे लाइन करना, स्प्रेडिंग करना, सब ट्रेंड में है अभी के इसमें, और लोगों को पसंद भी आता है वो। प्लेन पार्ट से थोड़ा अलग चाहिए लोगों को भी। कुछ नया रहेगा वहां पे क्लाइंट तुरंत भाग के आएंगे, वही का वही रहेगा तो लोग भी सोचेंगे। देखो लाइन डालने से, सिर्फ मैंने डाला उससे ही कितना अलग अलग एक 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 लाइन दिखने आ गए। कुछ किया नहीं मैंने, सिर्फ अलग अलग पार्ट लिया और पिन डालती गई, और पिन डालने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको बाहर की तरफ मैंने खींच लिया, खुद से लाइन बन गई वो, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और अभी एक 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 को हार्ड स्प्रे से फिक्स कर दो। देखो सेम दूसरी साइड बनवाएंगे हम, ऐसे ही दूसरी साइड में करेंगे। लिया शाइन स्प्रे, बहुत ज्यादा शाइन स्प्रे की जरूरत नहीं है, बस एक प्रेस करो बहुत हो गया उतना ही। ऐसे पकड़ो ये हाथ, अभी यहाँ पे स्प्रेड करना है तो ये हाथ में पकड़ के थोड़ा ऊपर लेना है, ताकि यू शेप होगा तो आप अच्छे से उसको एक 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 को नीचे 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 स्प्रेड करो। जहाँ पे वो पोजीशन थी फर्स्ट वाली, वहीं पे ये पोजीशन आनी चाहिए। पिन ले लो और पिन कर दो। दूसरा सेम जैसे वहां पे लिया वैसे ही, बस स्पिनिंग ध्यान रखना, एक के ऊपर एक नहीं, एक के नीचे एक आनी चाहिए तो ही आपका नीचे तक वो दिखेगा, नहीं तो पूरा एक साइड एक तरफ चला जाएगा।
सेम यहाँ पे भी हम ल्यूपिन डाल देंगे, सिर्फ डाला है और देखो खींचा है बार, ऊपर की साइड में डालो ताकि वो लाइन अलग अलग हो, नीचे की तरफ डालोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये पिन ऊपर की साइड में होनी चाहिए आपकी ताकि वो एक 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 पार्ट जहाँ पे डाल रहे हो सारे अलग हो जाए। ये आप ट्राई करोगे ना तो इजी है, आप भी कर सकते हो। उसके लिए ये बड़ी साइज की यू पिंस ही चाहिए, इतनी बड़ी साइज है। ये हुआ, अभी हम इसको भी एक 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 को स्प्रे करके देखो कैसे तीन को स्प्रे किया सिर्फ अलग हो जाता है। स्प्रे करके तुरंत हाथ लगाओ और अलग करो, प्रेस कर दो, सिर्फ ये नॉर्मल स्प्रे नहीं, नॉर्मल स्प्रे कैसे लगा के छोड़ देते थे तो चल जाता था। देखो अभी ये जो भी बाल है सारे इसको एक साथ ले लेंगे, ये ऊपर वाला भी यूपी निकाल के हम यहाँ पे पिन डाल देंगे। अभी ये जो भी बाल है सबको एक साथ ले लेना है। अभी हमें वापस से इसमें वन रबर बैंड, अभी इसमें डोनेट फिक्स करना है तो डोनेट भी फिक्स कर सकते हो, और डायरेक्टली करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। हम डायरेक्टली करेंगे, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब फोर पार्ट, ऊपर साइड में जैसे चार दिशा होती है ना वैसे ही चारों दिशा में बालों को इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये मैं चार में डिवाइड कर रही हूँ, आप इसको आठ पार्ट में डिवाइड करना है, जिसे टाइम है ना जैसे आपको लुक करना है वैसे आप डिवाइड कर सकते हो, कि जितना ज्यादा पार्ट उतना ज्यादा टाइम, ये सोच के चलने का। और ये मिडल का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, नीचे एक और ऊपर एक, चार पार्ट में डिवाइड किया और एक मिडल में रहा है। अभी पहले हम मिडल पार्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर साइड साइड से जाएंगे।
रोज बना रहे, रोज नहीं सॉरी फ्लावर लुक कर रहे हैं। इसमें भी चार पार्ट डिवाइड करना है, जैसे ये चार दिशा हुई, इसमें भी चार दिशा बनानी है। पहले ये साइड में, आप चाहे तो शाइन स्प्रे कर सकते हो, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं। इसको सिर्फ टर्न करना है, सिर्फ ये देख लेना कैसे करना है। टर्न करेंगे, जितना टाइट होगा ना उतना अच्छा है, एकदम एंड में ही पकड़ेंगे। दो फिंगर में टर्न कर रही हूँ अंदर की साइड छोड़ेंगे और नीचे की साइड में पिन लगा देंगे। उसमें यूज पिन है क्या, सादा बॉबी पिन है? सादा बॉबी पिन डालो नॉर्मल। अभी ऊपर से चारों दिशा में टर्न करना है हमें, एक दो तीन। पहले सब डायरेक्शन में डिवाइड कर देंगे, बॉबी पिन से नीचे की तरफ बॉबी पिन होनी चाहिए आपकी, ठीक है? एक ही बॉबी पिन से अटैच हो जाएगा, लेकिन अच्छे से अटैच करो नीचे। तीन, और ये नीचे की साइड में चौथा। तो चार बॉबी पिन, हाँ चार, हर एक के लिए अलग अलग। ये चार हुआ, फिर अभी इसको हल्का हल्का खोल देने का सब। ऊपर की साइड थोड़ा थोड़ा ओपन कर रही हूँ। स्प्रेड भी कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ऊपर खींच रही हूँ। दिख रहा है कैसा मस्त एक फ्लावर बन गया? वैसे ही चार फ्लावर, फोर फ्लावर्स बनेंगे। बीच में ऐसे गैप है, वहां पे आप बीड्स डाल दो। समझा? और फिर फाइनली अभी जब फिक्स हो गया है तो हम स्प्रे से लास्ट में फिक्स करेंगे। सेम ऐसे सारे को फ्लावर बनाएंगे। अभी ऊपर का डायरेक्शन, पहले चारों दिशा में मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ ताकि ऊपर नीचे ना हो सब। दिख रहा है? चारों जगह पे डिवाइड कर दिया, एक नीचे की तरफ, एक साइड में, एक ये साइड और एक ऊपर। अभी हम इसको फटाफट फटाफट अभी बनाती जाती हूँ मैं, आप देखते जाओ।
सी उसको लिया, मेरी दो फिंगर में मैंने उसको घुमाया, एंड तक लेके जाना है नीचे की साइड में बॉबी पिन डाल देनी, सेम साइड में भी यहाँ के लिए पहले हम यहाँ पे एक पिन कर देंगे। जब भी साइड साइड में जाएंगे अगर बिना डोनेट का है ना, तो पोजीशन के लिए पहले नीचे एक पिन डाल दो और फिर उसको राउंड राउंड करो, तो जो पोजीशन में हमें चाहिए वही पोजीशन में वो आएगा, नहीं तो पोजीशन उसका ऊपर नीचे हो जाएगा। देखो दूसरा शाइन स्प्रे बेस में पहले एक लगा रही हूँ पिन,
समझ रहे हैं मैं कैसे ले रही हूँ आपको पिंस वगैरह, सिर्फ टर्न करके चारों दिशा में सिर्फ लेना है। ये फ्लावर ना आप बन बना के भी, मैंने नॉर्मली 3 ब्रेड कप दिखाया था, वैसे भी आप यहाँ वहां पे भी ऐसे ही 3 फ्लावर ऐसे बना सकते हो ये वाले। देखो आएगा अभी आप लोगों को ये फ्लावर, पहले डिवाइड कर देती हूँ। चार पार्ट में डिवाइड करके अलग है। हाँ वही है, सब सेम फ्लावर बनाए। ये किया ना मैंने, देखो ये देखो ऐसे टर्न कर रही हूँ हाथ में, ऐसे भी ले सकते हो सीधा टर्न करके यहाँ पे नीचे की साइड में फिक्स कर दो, या तो फिर इधर से ऐसे करो और फिर ऐसे नीचे नीचे टर्न करते जाओ। हाँ, वो अपना अपना क्रिएशन करते। हाँ वही, आपको कैसे जमता है ना उस हिसाब से लेके जाओ। इजी रहता है कि ये रहेगा ना तो कैसे, सिर्फ हाथ में टर्न करना है आपको, यहाँ पे ऐसे गैप रखो, हाथ को टर्न करो, इसको पूरा पीछे लेके जाओ और नीचे नीचे की साइड में पकड़ लो। देखो नीचे की साइड में पकड़ लिया और पिन कर दो।
कौन सा फेस के लिए अच्छा लगेगा, राउंड फेस, लॉन्ग फेस? राउंड फेस पे ज्यादा अच्छा लगता है, कभी भी हाई लेंगे ना, अगर ये कैसे देखो किसी का फेस लंबा है ना, तो इसको इतना हाइट नहीं दो, पीछे की तरफ बना के दो, हाइट मत दो, हाई पोनी किया ना, वो हाई पोनी की जगह पे थोड़ा मीडियम पोनी लो, तो उन पे भी जाएगा ये, और हाइट देनी है तो हाई पोनी ले लो, तो उन पे भी सूट हो जाएगा ये। मतलब ये वेरिएशन कैसे, आप बन बनाते हो ना, बन की जगह पे ये भी करके दे सकते हो। राउंड फेस पे हाँ, नहीं नहीं ऐसे ऐसे आप ना, अगर लंबा फेस है तो ये इतना ऊपर मत दो, नीचे की तरफ जैसे बन बनाते हैं ना, बन बना के दो, बन में ये करके दो उनको, तो उनको भी दे सकते हो ये। ठीक है, ठीक है, ये रैंप वॉक में कभी जाते ना तो सीधा ऐसे ऊपर ले लो, आगे का कुछ क्रिएशन मत दो इतना, और पीछे ये बना के दे दो उनको, तो भी चलेगा ये। अच्छा, आगे का ज्यादा नहीं करना, नहीं करने का, सिंपल पूरा बाल एक साथ पोनी ले लो। रैंप वॉक में हाइट चाहिए ना, हाई चाहिए रहता है हाइट के लिए, तो आगे प्लेन रखो, अगर हाँ हाइट चाहिए रहता है ना, तो या तो प्लेन रखो पूरा और सीधा हाई पोनी बांध दो, और सीधा हाई पोनी के बाद ये उनको बना के दे दो, तो ये भी चलेगा उनको। एक्चुअली उनपे बहुत अच्छा लगता है जब ये क्रिएशन रैंप वॉक के लिए रहता है ना, हाइट उनकी तो हाइट भी रहती है, जो मॉडल्स रहती है तो उनको हाइट में देते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है ये। एक दीपिका का लुक भी सिखाना। हाँ ठीक है, आपको जैसे जैसे लुक चाहिए ना, आप सर्च करो, मेरे को भेज दो, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है सब। देखो अभी गुरु ही बन गया है तो अभी सब पूछेंगे। कोई बात नहीं, यस अभी आना हमारे सलून में, यस पक्का, बुलाना मेरे को, मैं आऊंगी। अच्छा सैलून है, बड़ा नहीं है, ए ग्रेड है आपका ना, बुलाना मेरे को, मैं आऊंगी, पक्का आऊंगी। इसको वो भी सिखाना आपको, फेसबुक में वगैरह कैसे डालते हो। हाँ ठीक है, यस पक्का, किसी को क्या, किसी को बोलते हो करने के लिए आप ही? नहीं मैं बोलती हूँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ये सब काम करते हैं प्रोफेशनली, डालने करने का मतलब इमेज बनाने का ये वो सब। क्या वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे कुछ करना है ना, तो मेरा भी करके देंगे क्या? हाँ करके देंगे ना, देंगे करके, पे करूंगी। हाँ पक्का पे करूंगी, ठीक है बोलना, मैं उनसे बात करवाऊंगी, आप आपका कैसा करना है। हाँ तो मेरा पूरा दे दूंगी ना, ठीक है, सब करने का, उसको प्रमोट करने का। हाँ कर देंगे ना, आप बोलना, उनसे बात करवा दूंगी, आप बता देना उनको कैसे क्या करना है, आपको पूरा डिटेल दे देना, वो बता देंगे। अभी आप कैसे कर रहे हो वैसे आप भी मेरे को बताना कैसे करना। ठीक है चलेगा, पहले मेरे को प्रैक्टिस करने दे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको मैं पिक्चर दे दूंगी, इमेजेस, ठीक है, आपको लगेगा हाँ आप अभी ठीक है अभी हम भेजेंगे। हाँ चलेगा, आपका तब तक दूसरा मेकअप का ये सब जल्दी जल्दी, अभी क्योंकि सीजन आ रही है, अब डिले करोगे तो आपकी सीजन आ रही है तो अभी से ही करना पड़ेगा, वही बुकिंग अभी से ही होगी, आप अभी से डालोगे तो होगा, नहीं तो कभी होगा। मैं बाद में आपसे पर्सनली बात करूंगी।
ठीक है, आपसे पर्सनली मैं बात करूंगी। चलेगा। ये समझ में आया ना कैसे सिर्फ राउंड राउंड करके पूरा फ्लावर लुक बनाया है? हम लोग करते हैं। ठीक है, आप कर रहे हो अभी? हाँ करते हैं। मैं जैसे अभी कोई ब्राइड आएगा ना, हाँ मेरे पास एक है असिस्टेंट है, अच्छा वो हेयर का करती है। अच्छा ओके, वो भी गुजराती है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया सीखने का, मैं अभी सोच रही हूँ क्यों डिपेंडेंट रहने का, खुद को भी आना चाहिए। हाँ वो तो है, खुद को जितना आता है उतना हम लोग कर सकते हैं। समझो मैं कभी अकेली हूँ, फंक्शन है, किसी ने बोला चलो मेरे पे करके दो, आना चाहिए। वही आज ना, यस आज कहाँ जाता नहीं, किधर नहीं जाएगा डेफिनेटली। ये कैसा है हेयर स्टाइल में? अब जितना क्रिएशन आपका दिखाओगे, जितना डेडिकेशन दोगे ना, उतना आपका हाथ मूवमेंट करेगा। वैसे मैं बैठ के करती हूँ इधर, दो दिन नहीं किया, सोमवार मंगलवार हम लोग मार्केट गए थे, डॉक्टर के पास गए थे। अच्छा वो भी तो जरूरी था बहुत। हाँ ये ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी है तभी आपका भी कर सकते हो, लेकिन जब भी फ्री टाइम है तभी करते रहो ऐसे। यहाँ से 13 किलोमीटर बाहर है। अरे बाप रे, बहुत लंबा है ये देखो। बहुत लंबा है। फिर भी कल मैंने देखा लेकिन पूरा नहीं देखा। हाँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े रहते हैं ना, पूरा पूरा वीडियो रहता है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है, देखने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना वीडियो बनाती हूँ उतने। हाँ बहुत टाइम लगता है। हाँ क्योंकि अभी जितना टाइम लगता है क्लास के लिए उतना टाइम लगेगा ना। वही इसीलिए जब आप प्रैक्टिस करने जाओ। आएगा ना। हाँ वही पूरा पूरा भेजूंगी ना, आपका कभी मिस भी हो गया तो आप देख सकते हो बाद में भी, मैं थोड़ा थोड़ा भेजूंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये देखो अभी पूरा बनाया पीछे से ना, ये इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा, मैं फोटो भेजूंगी ना तो बहुत अच्छे से आपको दिखेगा। इसका और इसका आपसे भी मेरे को बात करना था पर्सनली, ये होने के बाद मेरे को कॉल करना। ठीक है चलेगा। ये देखो पूरा अच्छे से मस्त लुक दिखता है, ये आगे से साइड से पीछे कितना अच्छा सा पूरा। यस यस डेफिनेटली पूरा हेयर स्टाइल भी करके दे सकते हो, अच्छा लगता है आपका क्रिएशन दिखे। नहीं करना है तो आप कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। लेकिन ये ब्राइड के लिए भी चलेगा, ब्राइड के लिए। अरे 100% ब्राइड के लिए, रिसेप्शन में दो, एंगेजमेंट में दो, कोई भी फंक्शन जी जहाँ पे वो प्रीफर। आजकल ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली एक हेयर स्टाइल एक के लिए चलता है, उनको अच्छा लग गया ना तो वो कोई भी फंक्शन में एक्सेप्ट करते हैं, जैसे उनका फंक्शन है। अभी किसी का रिसेप्शन ही नहीं है, सिर्फ ट्रेडिशनल वेडिंग है और उनको यही हेयर स्टाइल चाहिए, तो हम हाई नहीं करेंगे, लो बन में ये पूरा करके देंगे उनको। लो बन में है ना, तो करके दे सकते हैं हम, ये भी ऊपर भी करके रख सकते हैं, नीचे भी लो बन में भी ये कर सकते हैं सेम हेयर स्टाइल, सिर्फ आगे का थोड़ा फिर अलग हो जाता है, सिर्फ ये पार्ट जो रोज बनाया ना वही लेना, आगे का भी ट्रेडिशनल टच देना है तो मिडल पार्ट मांग टीका पफ लेना और फिर पीछे चोटी में ऐसे पूरा क्रिएशन उनको पीछे की तरफ करके दो। यस मतलब आइडियाज होनी चाहिए कि हम यहाँ ये किस में कहाँ पे बिठा सकते हैं।